सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा, अपने यूट्यूब चैनल द टर्म ऑफ आर्क में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के सिलेबस में जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं उस पर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मुझे उस चीज से मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट वीडियो ला सकूं और उससे आप लोगों को लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या टॉपिक है आप वीडियो में देखिएगा, लैपटॉप की स्क्रीन के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं यूट्यूब वीडियो में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सामने दे रखा है। कुछ सामने सब्जेक्ट हैं, फाउंडेशनल कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीपीए और आईटीसी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये सामने दे रखा है। अब इसके बारे में कौन डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो में। सिंपल सा स्क्रॉल करके आते हैं नीचे, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। आपका ये जो टॉपिक है फाउंडेशनल कम्युनिकेशन, एफसी से बोलते हैं एफसी, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट आता है। इसमें ये जो पेपर होता है 50 नंबर का होता है। ये दो सेक्शन में डिवाइड होता है, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होता है, वोकैबुलरी बिल्डिंग होता है, ग्रामर होता है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशन होता है। हिंदी में आपका सिंपल सा लेटर राइटिंग होता है, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र जिसे बोलते हैं, और निबंध लेखन होता है। और पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, सिंपल देख रहे होंगे आप लोग, वोकैबुलरी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चले, नहीं तो आप एक पेन पेपर लेके बैठ लें और हो सके तो वीडियो को पॉज कर दें ताकि आप अच्छे से रिटन डाउन कर सकें। वोकैबुलरी है, होमोफोन्स, वन वर्ड, ये सब चीजें हैं। ग्रामर में क्या क्या चीज पढ़ना है देख सकते हैं आप लोग, ग्रामर में ये सब चीजें हैं। आप सिंपल सा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिलेबस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, और इसके भी चैप्टर हैं देख सकते हैं आप लोग। हिंदी में आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि सिंपल सा लेटर राइटिंग होता है, निबंध लेखन प्रतियोगिता जैसे जो होती है, निबंध लेखन किस प्रकार से किया जाता है, निबंध वगैरह किस प्रकार से लिखा जाता है इससे हिंदी में, वो सब चीज़ें। अब बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा फर्स्ट और सेकेंड, और डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट और सेकेंड। जो है अलजेब्रा फर्स्ट जो होती है वो 10 नंबर की है, सेकेंड भी 10 नंबर की है, ट्रिग्नोमेट्री 8 नंबर की है, और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो है सिंपल केस ओनली सिंपल से हैं के सिंपल से आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग ये सब चीज़ें के, और एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं ये सब पढ़ सकते हैं आप लोग, देख रहे होंगे आप लोग कि कैसे क्या इसमें होता है। अब बात करते हैं फिजिक्स में। ये भी फिजिक्स जो होता है 50 नंबर का पेपर होता है। इसमें आप लोगों को 17 नंबर प्लस लाने होते हैं। इसमें भी आप लोगों को 10 टॉपिक पढ़ने हैं, 10 चैप्टर हैं, देख लीजिए यूनिट ये सब चीज़ें हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, और हर एक चैप्टर में क्या क्या चीज़ है बिल्कुल विधिवत तरीके से इसमें दे रखा। ओके, ये देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करके जरूर रखें, वीडियो को पॉज कर लें ताकि आप लोगों को ये सब लिखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता चलूंगा नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। ओके, ये सब देख लीजिए आप लोग, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6, ये 6 चैप्टर नंबर रहा, ये 7 है, ये 8 है, या आप लोगों का 9 चैप्टर है, 6 मार्क का आता है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे कम सिलेबस है लेकिन अच्छा सा है।
ये कॉस्टिक भी है, देख सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री जो है 16 इसके चैप्टर हैं, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें हैं, हर एक सब्जेक्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं पढ़ देख सकते हैं आप लोग। इसमें 3 नंबर का है पहला चैप्टर, में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। और ये केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ चैप्टर में क्या है ये सब देख सकते हैं आप लोग, फिफ्थ चैप्टर में क्या क्या चीज़ है। बिल्कुल हर एक एक टॉपिक देख लीजिए, एक एक टॉपिक आप लोगों को दे रखा है कि क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। सिलेबस के बाहर आप लोग आउट ऑफ सिलेबस ना जाए, ओके। देख सकते हैं आप 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, मैं जल्दी बता रहा हूँ नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है कि आप लोगों को बढ़िया तरीके बता पाऊँ, लेकिन आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे मेंशन है। 9 में बात करूँ, 3 मार्क का आता है, ये सामने देख सकते हैं आप लोग, ओके। अब वाटर ट्रीटमेंट जो है वो आप लोगों का 3 मार्क का आता है, इसमें पूरा का पूरा क्या पढ़ना है दे रखा है, ये सब देख सकते हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 11 ये भी देख रखा है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए उसके बाद लिख लीजिए, नहीं तो आप इससे पैसा PDF डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बस सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ कि कहाँ से क्या हम लोगों को मटेरियल प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों लुब्रिकेंट में क्या क्या पढ़ना है सामने दे रखा है, और हाइड्रोकार्बन ये भी 4 नंबर का चैप्टर आता है, बढ़िया टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है, पढ़ सकते हैं। और ऑर्गेनिक रिएक्शंस ये है फंडामेंटल, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। और जो आपका 15 नंबर चैप्टर है पॉलीमर्स, ये भी 3 नंबर का आता है, ये सब पढ़ सकते हैं आप लोग। देखिए पूरा का पूरा इसमें हर चीज़ विधिवत तरीके से दे रखी है। और 16 नंबर पे आप लोगों का आता है सिंथेटिक मटेरियल, इसमें आप लोगों का सब कुछ दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं जीपीए की। जीपीए में आपके 6 टॉपिक दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 125 नंबर का आता है, और इसमें आप लोगों को कम से कम नहीं तो 45+ नंबर लाने होते हैं, नहीं तो अगर 45+ नंबर नहीं आ पाते हैं आप लोग तो आप इसमें फेल हो। कि दोस्तों 45 या 75 ऐसे कुछ होता है, शायद मैं भूल रहा हूँ कि इसमें लेटर राइटिंग, लेटरिंग क्या होता है, रोमन है, गोथिक है, ब्लॉक इटैलिक, फ्री हैंड लेटरिंग, प्लेन और डायगोनल स्केल है। और ग्राफिक प्रेजेंटेशन में बात करें तो सिंपल सा सॉलिड फॉर्म, मतलब सॉलिड फॉर्म इन्वॉल्विंग क्यूब, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कॉन्स, स्फीयर, ये जितने भी एलिमेंट हैं हमारे, इनको आप इनके प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये सब दिखाने रहते हैं आप लोगों को, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। जो ये चैप्टर नंबर 2 दे रखा है ग्राफिक प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसमें आप लोगों को ये सब दिखाना होता है सीट पे बना के। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, सरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हमारे सरफेसेस होती हैं, सरफेसेस का लेआउट कैसे होता है, प्लान और एलिवेशन किस प्रकार से इसको शो करते हैं, ये सब इसमें आप पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को विधिवत तरीके से अच्छे से पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि हम लोगों का अगर कोई चीज रखी है सॉलिड फॉर्म, या उसका प्रिज्म, प्रिज्म है, क्यूब है, उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किस प्रकार से प्रिपेयर होगा, उसमें आप ये लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। आर्किटेक्चर ड्राइंग में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए ड्राइंग करने की, कि हमें से हम जो हमें पेंसिल यूज़ करनी चाहिए वो पतली यूज़ करनी चाहिए, कम से कम 0.5 to 0.23 तक, ठीक है। और होल्डिंग फर्नीचर ड्राइंग, डाइनिंग, बेडरूम, मतलब और इसके बारे में, मतलब कि कहना चाहता है ये कि ड्राइंग, डाइनिंग मतलब कि जो डाइनिंग टेबल होती है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, थिकनेस कितनी होती है, लंबाई चौड़ाई, उसके जो पाए होते हैं वो कितने कितने मोटे होने चाहिए, जो चेयर होती है वो कैसी होनी चाहिए, बेडरूम में पड़ी हुई बेड जो होती है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, कितनी ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। स्टूडियो टूल्स, स्टूल जो होते हैं, जो आप जहाँ पे आप बैठते होंगे क्लासरूम में, वो स्टूल कितने ऊंचे होने चाहिए, कितने नीचे होने चाहिए, टेबल्स कितनी ऊंची होनी चाहिए, जो हम लोगों को वर्किंग
वर्किंग टेबल होती है, कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितनी नीचे होनी चाहिए, ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेंडरिंग की। रेंडरिंग मतलब कि आपने कोई भी चीज बनाई, फर्नीचर, स्केल वगैरह कुछ भी बनाई, उसको बढ़िया तरीके से कलरिंग कर देना, सर्फेसेस को कलरिंग कर देना अच्छे से, बढ़िया तरीके से मेंशन करना, ये आप लोगों का रेंडरिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आर्ट की बात करते हैं। आर्ट में आप लोगों को पेंसिल इंक, सिंपल सा कलर के बारे में आप लोगों को एक नॉलेज होनी चाहिए, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, ओके, और टिन टोन सेड, ये सब चीजें आप लोगों को बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए। मतलब कि अगर ये क्या लिखा हुआ है, थ्योरी थ्योरी ऑफ कलर, कलर ड्राइंग इंडोर एंड आउटडोर स्केचिंग इन पेंसिल्स और लिंक। मतलब कि अगर आप इंटीरियर घर का, घर के अंदर का कोई चीज बना रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, बाहर की ड्राइंग बना रहे हो, वो आप लोगों को स्केचिंग करनी होती है, आप लोगों को इसकी एक शीट जमा करनी होती है कॉलेज में, इम्पोर्टेंट चीज रहती है। अब बात करते हैं डिजाइन बाय स्टडी ह्यूमन फॉर्म एंथ्रोपोमेट्री एटीसी, मतलब, और बात करते हैं ह्यूमन फॉर्म्स की, मतलब कि जो हमारा ह्यूमन होता है, आदमी होता है, कितना लंबा होता है, इसका रेशियो, और जो औरत होती है कितनी लंबी होती है, कितनी चौड़ी होती है, उसका रेशियो। ठीक है, अगर हम सिंपल सा बाथरूम की बात करें तो बाथरूम में जो शॉवर होता है, शॉवर कितना ऊंचा होना चाहिए, टंकी कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितने, और जो उसकी छत होती है कितनी ऊंची होनी चाहिए, वेंटिलेशन कहाँ पे होना चाहिए, दरवाजा कितना ऊंचा होना चाहिए, ये सब चीजें किसी में आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। मैंने जो चीज बताई है वीडियो को पॉज करते रहिए, रिटर्न डाउन करते रहिए, ये चीज आप लोगों को शायद कोई बताने वाला नहीं होता, तब भी आप लोगों को ध्यान रखिए इस चीज का। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, ये जो 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में आप लोगों को इसका वाइवा होता है, वाइवा में आप लोगों को बहुत कुछ बताना रहता है। आप लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो इसके इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, ये कि आप आर्किटेक्ट किस प्रकार से उसकी सीटें तैयार होती हैं, डाटा किस प्रकार से उसका क्रिएट होता है, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाई जाती है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आप लोग, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ये सब वगैरह आप लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यही सब चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, और कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं, अगर मैं कोई वीडियो आपके पास अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आराम से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, लगता है मेरी मेहनत अच्छी जा रही है, तभी आप लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं सेकंड वीडियो में, सेकंड सेमेस्टर की सब्जेक्ट को लेकर, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।